तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सभी दीदियों और बहनों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। इस जानकारी को जानने के बाद, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद, सभी दीदियाँ और बहनें बड़े आसानी से 30,000 रुपये हर महीने का कमा सकती हैं। दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर देखिए। जितनी भी दीदियाँ और बहनें हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बल्कि बार बार देखें। आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 30,000 रुपये हर महीने कमाना है। और ऐसे ही नहीं, 20 सितंबर 2023 को कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियां औद्योगिक क्षेत्रों में यह काम करेंगी और लाखों कमाएंगी। आखिर वो कौन सा काम है जिसके तहत आप अपनी आजीविका चला सकते हैं, बल्कि लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं? वो कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं, पहले उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों, तीमारदारों व अन्य के लिए कैंटीन चलाने की जिम्मेदारी संभालने के बाद आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियाँ अब औद्योगिक संस्थाओं में कैंटीन चलाएंगी। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। आपको पता होना चाहिए, जितने भी रेलवे स्टेशन होते, सरकारी अस्पताल या सरकारी दफ्तर होते हैं, उसमें कैंटीन की पोस्ट मात्र लेने के लिए, कैंटीन यानी दुकान अपने नाम करवाने के लिए बहुत बड़े बड़े सोर्स, सिफारिश और कई जगहों पर तो बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा काम किए हैं, तो आपको यकीनन ये सरकार मुफ्त में देने जा रही, बल्कि सरकार आपकी हर संभव मदद भी करेगी कि आप अपनी आमदनी 30,000 रुपये महीने कर सकें और अपने आजीविका चलाने के साथ साथ लोगों को रोज़गार भी दे सकें। इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPSIDA और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच करार होगा। इस योजना के तहत UPSIDA स्वयं सहायता समूह की दीदियों को कैंटीन के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराएगी। UPSIDA और आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 25 जिलों में 150 क्लस्टर कैंटीन खोली जाएंगी। ये क्लस्टर कैंटीन ब्रांडेड फूड चेन के तर्ज पर होंगी, जहां पर दीदियों के हाथ से बने स्पेशल खाद्य पदार्थों की बिक्री भी होगी। दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, जो आपके गाँव घर के पास जिला अस्पताल है, या फिर आपके ब्लॉक पर ही जाइए जो मुख्यालय का अस्पताल है, एक बार वहाँ जाके देखिए किस कदर भीड़ होती है। वहाँ जो भी छोटी मोटी दुकानें भी होती हैं, मेडिकल स्टोर भी होते हैं, उस पे लाखों रुपए की आमदनी सालाना होती है। लेकिन UPSIDA और आजीविका मिशन के प्रयास से सर्वप्रथम 75 में से 25 जिलों में 150 क्लस्टर कैंटीन खोली जाएंगी। इस कैंटीन को अगर आपको लेना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट प्रक्रिया, संपूर्ण ज्ञान दूंगा कि कैसे आपको उस कैंटीन को लेना है। एक क्लस्टर कैंटीन में 8 से 10 दीदियों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, ये कैंटीन शहरों में खुलेंगी, जहां पर लोगों का अधिक आना जाना रहता है। संचालन यानी इसको चलाने की पूरी जिम्मेदारी दीदियां संभालेंगी, दीदियां और बहनें संभालेंगी। इस कैंटीन में उद्योगों में कार्यरत कार्मिकों व श्रमिकों को उचित मूल्य पर घर जैसे स्वाद में खान पीन की वस्तुएँ उपलब्ध कराएंगी। आजीविका मिशन की निदेशक सी इंदुमती के मुताबिक कानपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में कैंटीन जल्द खुल जाएगी। इसके अलावा अलीगढ़, वाराणसी, मथुरा आदि शहरों के इंडस्ट्रियल स्टेट में कैंटीन खोले जाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस कदर कितने तरीके से स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ, स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ और बहनें अपने आजीविका में चार चांद लगा रही हैं। दोस्तों, ऐसी जगहों पर कैंटीन पाना एक बहुत बड़ी बात ही नहीं होती, एक महारत हासिल करना होता है। अगर आप एक स्वयं सहायता समूह का गठन कर चुके हैं, तो यकीनन आपको इसके बाबत जानकारी होगी। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि एक स्वयं सहायता समूह कैसे बनाया जाता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो मैं आपको शॉर्ट में, संक्षिप्त में, समरी के तौर पे बता देता हूं। दोस्तों, आप nrlm.jovi.in पर जाएंगे, यानी कि आप अपने नज़दीकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में संपर्क करेंगे और वहाँ पर जाकर एक स्वयं सहायता समूह बनाने का फॉर्म ले लेंगे। जैसे आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप 11 से 21 महिलाओं का एक समूह बनाएंगे, कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा 21। अगर आप ऐसे समूह का गठन कर लेते हैं,
तो आप इस फॉर्म को भर के अपने राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। उसमें आपको बैंक पासबुक की कॉपी, जो आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा हो उसकी कॉपी, और आपको अपना एक पहचान पत्र जमा करना होगा और एक अप्लीकेशन लिखना होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रबंधक के नाम से। जैसे ही आप इतना काम कर लेते हैं, आप इस चीज़ को ले जाके अपने आजीविका मिशन कार्यालय में जमा करेंगे। जमा करने के बावत आपको एक रिसीविंग मिलेगा, यानी कि आपके पास एक मेल आ जाएगा या आपको फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। जल्द ही आपको आइडेंटिटी कार्ड जारी कर दिया जाएगा, या जो भी जिस भी समूह के नाम से आप समूह बनाए हैं उसके बावत कम्प्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इतना छोटा सा काम अगर आप इसको कर लेंगे तो यकीनन आप सरकारी योजनाओं का मुफ्त में लाभ उठा पाएंगे और अपने साथ साथ लोगों को आजीविका भी चला पाएंगे। तो निवेदन करता हूँ, अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।